So beta, today firstly we will be discussing the revision test which took place on Saturday. After that we will be discussing the MCQs based on the chapter business services, right? So let's start. First question, a government company is any company in which the paid up capital held by the government is not less than 51%. So B is the right option, 51%. Second, Steel Authority of India Limited is a public enterprise. Identify its form. A, government company. B, departmental undertaking. C, statutory corporation. D, global enterprise. Sale. It is a government company. So, aap bolo ke ma'am, aise some examples you have to keep in mind. Kuch bhi wo aisa question pooch sakta hai. जहां पर आपकी जनरल अवेयरनेस भी चेक होती है, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि नाम से पता चल जाना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, आपकी ये जनरल अवेयरनेस है, ठीक है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस. रिस्क शेयरिंग, इट इज अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस. Assist in capital formation, it is a function of insurance. Lending of funds, it is not the function of insurance sector. Insurance may aap in the form of premium money deposit to kara sakte ho, lekin insurance aapko funds lend nahi karta, theek hai? Next, which of the following is not applicable in life insurance contract? A, indemnity contract. B, conditional contract. C, unilateral. D, none of the above. A, indemnity. Why? Life cannot be measured in terms of money, hence it cannot be all right. I will share the screen again as we had certain network issues. Okay. In which condition government company form of public sector undertaking is not suitable? जो government company form है वो इनमें से कौन सी condition में suitable नहीं है? A, when high degree of public accountability is required. B, when flexibility of operations is required. C, when goods and services are to be provided at reasonable prices. D, when national security is concerned. So even though some of the options are very close, like when high degree of public accountability is required, that is also not for government company, but it is a government company. ठीक है, तो accountability होती होती है. तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या मिलता है आपको? व्हेन नेशनल सिक्योरिटी, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड. ठीक है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्ड है वहां पर गवर्नमेंट कंपनी क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में 49% या लेस देन 49% शेयर्स कैन बी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक. तो इसका मतलब पब्लिक की हिस्सेदारी हो गई, तो नेशनल सिक्योरिटी जहां पर कंसर्न्ड है वहां पर थॉरो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है. ठीक है, मास्क पहन लो बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट हैज कोलैबोरेटेड विद माइक्रोमैक्स व्हिच हैज लॉन्च्ड न्यू सीरीज ऑफ फोन YDN एंड अश्योर्ड इट्स कस्टमर्स टू डिलीवर द फोन विद इन 3 days. आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इन दिस ट्रेड. B2B, B2C, C2C, intra B. B2C है, actually it is B2B as well as B2C. ठीक है, कैसे? जब Flipkart ने Micromax के साथ collaborate किया, ये B2B है. Flipkart business firm है, Micromax भी business firm है, तो B2B हो गया. ठीक है,
उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया फ्लिपकार्ट ने कंज्यूमर को कि हम आपको डिलीवर करेंगे विद इन 3 डेज। तो ये कौन सी हो गई, B2C। लेकिन क्योंकि बोथ की ऑप्शन नहीं है तो आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन देखनी पड़ेगी, दैट इज B2B, फ्लिपकार्ट एंड माइक्रोमैक्स। ठीक है, नेक्स्ट, B2B कॉमर्स मींस फर्म्स इंटरेक्शंस विद अदर बिजनेस, फर्म्स इंटरनल प्रोसेसेस, फर्म्स इंटरेक्शंस विद कस्टमर्स, फर्म्स इंटरेक्शंस विद अदर बिजनेस, B2B। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट कंपनी, स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप। तो जब आपने रटी लिया कि पब्लिक सेक्टर में 3 ही आते हैं, कौन कौन से, डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट, स्टेचुटरी, तो इसके अलावा और जो भी है वो प्राइवेट है। द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, दीज आर ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेचुटरी, डिपार्टमेंटल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, गवर्नमेंट कंपनी, स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, स्पेशल एक्ट, स्टेचुटरी। इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस, NCERT का क्वेश्चन है ये, ए ऑनलाइन ट्रेडिंग, बी कॉन्ट्रैक्ट R&D, R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सी ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, डी ऑनलाइन बिडिंग, कॉन्ट्रैक्ट R&D। अगर आपको नहीं भी पता कॉन्ट्रैक्ट R&D क्या होता है या ऑनलाइन बिडिंग क्या होता है, तो कैसे हमने रूल आउट करने हैं ऑप्शंस, ऑनलाइन जहां पे आगे लगा वो ई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसके आगे ऑनलाइन नहीं लगा वो क्या है, ई बिजनेस नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट, USSD, UPI, मोबाइल वॉलेट, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन, बड़ा इजी मैंने पेपर डाला है गैस, मुझे लग रहा है कितना इजी डल गया। चलो, इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट अ डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पहली लाइन से ही पता चल रहा है बेटे कि डिपॉजिटर इस टाइप ऑफ अकाउंट में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी डालता है, फिक्स्ड पीरियड के लिए डालता है, एंड जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट इज हायर देन दैट ऑफ अ सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, इजंट इट, फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड टाइम के लिए, बेटे उसमें, अच्छा, इन दिस टाइप ही डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, RD में रेकरिंग होता है, सॉरी, सो मेरे को वो लगा मैंने शायद किसी और में ऐसा डाला हुआ क्वेश्चन, इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, 13th क्वेश्चन, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स that in the event of mishappening, it is the duty of the insured that he must take reasonable steps to minimize the loss to the insured property in the same manner as he would take care without taking the insurance policy. A, principle of mitigation of loss, B, principle of contribution, C, principle of indemnity, D, principle of subrogation. Principle of mitigation of loss. Then, case-based questions hain. Sweezy Services is a famous corporate group working in IT sector. The company provides IT services globally. It has various departments to manage its affairs like production, testing, sales, human resources. In order to ensure that there is a complete interaction among these departments, the company has developed its own internet network. It only leads to better coordination among the departments, but also permits well-informed and faster decision and speedier workflows. The employees of the company use internet
to conduct meetings, recruit and select the employees online via video conferencing. Identify the scope of e-business referred here. Intrabee. Within the firm ho rahi hai na sari transactions. ठीक है, डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करने के लिए इंटरनेट का यूज कर रहे हैं. दिस इज इंट्राबी. आइडेंटिफाई टू वैल्यूज विच अकॉर्डिंग टू यू हैव मोटिवेटेड क्विक सर्विसेज इन डेवलपिंग इट्स ओन इंटरनेट नेटवर्क. दो आपने वैल्यूज बतानी है जिससे कि ये कंपनी मोटिवेट हुई कि हम अपना इंटरनेट डेवलप करें. ए, डिले इन इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. डिले वर्ड क्या बता रहा है? ये बेनिफिट नहीं है, ये ड्रॉबैक है, तो इसलिए इससे वो मोटिवेट नहीं हुई. देन इनइफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्विकर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. क्विकर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज राइट बट इनइफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं. यूजिंग इंटरनेट वी ट्राई टू bring about effective human resource management. C, transparency in delay in information. Here also transparency is correct option but delay in information is wrong. Quicker flow of information and effective human resource management, yahi values ne motivate kiya usko internet karne ke liye. Ek to information quickly सर्कुलेट हो जाएगी, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इफेक्टिव रहेगी. ठीक है, assertion reasoning वाले क्वेश्चंस हैं इसके बाद. assertion, all insurance contracts except life insurance contract are the contracts of indemnity. This statement is correct. assertion is simply a statement. You are simply stating something. ठीक है, द एग्जामिनर इज सिंपली स्टेटिंग समथिंग. यू हैव टू सी वेदर ही इज स्टेटिंग द फैक्ट और नॉट. सो इट्स अ फैक्ट. रीजन इसका वो क्या कह रहा है? वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉस ऑफ डेथ, लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ द एश्योर्ड. क्या हम किसी की डेथ की लॉस को एस्टिमेट कर सकते हैं? इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो रीजन जस्टिफाई कर रहे हैं assertion को, तो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट. अगेन assertion रीजनिंग क्वेश्चंस बेटे. assertion इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस which are owned, managed and controlled by the government. These may be partly or wholly owned by the central or state government. They may also be part of the ministry or come into existence by special act of parliament. Is it correct? Usne tino bata diya ke public sector enterprises wo hote hain jo government own karti hai, wo special act se bhi pass ho sakte hain aur डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का भी हिस्सा हो सकते हैं. रीजन क्या दे रहा है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री. आर इज नॉट करेक्ट. आर इज करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो बी ऑप्शन विल बी राइट. दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन या उसको जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज का आंसर नहीं देता उसका. मैच दी कॉलम्स. एक तरफ आपको मैं पहले वन बाय वन पढ़ देती हूं. कॉलम वन का फर्स्ट ऑप्शन, इंश्योर्ड मस्ट हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, डे बिफोर यस्टरडे हमने ये रिवाइज किया था. सेकेंड, आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस द इंश्योरर गेट्स ऑल द राइट्स विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड. प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन,
principal of indemnity, principal of insurable interest, principal of subrogation बेटे, ठीक है कि loss compensate कर दिया, उसके बाद जो insurer है उसको subject matter से related सारे rights मिल जाएंगे. कौन सी example याद रखनी है? कार का एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस चली गई, पूरी वैल्यू दे दी इंश्योरर ने, पर कार किसके पास जाएगी? इंश्योरर के पास. जो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या है? कार. उससे रिलेटेड राइट अब किसके पास चले जाएंगे? इंश्योरर. इंश्योर्ड के पास वो कार नहीं रहेगी. फिर उसका क्लेम नहीं मिलता ना, उसका क्लेम नहीं मिलता. तो थर्ड पार्टी वाले को नहीं मिलेगा, फर्स्ट उन्होंने अपनी अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसका इंश्योर, दोनों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. कार की तो आपस में ही टक्कर होनी है, इंश्योरेंस तो दोनों ने ही क्लेम करनी है. थर्ड पार्टी हमारे इधर स्कोप में नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी में क्लेम नहीं मिलता एज पर माई नॉलेज. ओके, इंश्योर्ड इज एंटाइटल टू रिकवर द लॉस सफर्ड बाय हिम अप टू द लिमिट ऑफ पॉलिसी अमाउंट. एक इंश्योर्ड को पॉलिसी अमाउंट तक का ही लॉस रिकवर हो सकता है. मतलब अगर मैंने पॉलिसी 10 लाख की कराई है, नुकसान 15 लाख का हो जाता है, तो कितनी कंपनसेशन मिलेगी? 10 लाख की. ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. 19th क्वेश्चन, केस स्टेट, केस बेस्ड है. राहुल हैड टेकन इंश्योरेंस ऑफ 3 लाख फॉर हिज कार. कार की वर्थ थी 2 लाख फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी. आफ्टर 2 मंथ्स हिज कार गॉट फायर एंड डैमेज्ड वेरी बैडली. हिज कार वॉज टेकन टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस अमाउंट पेड टू द राहुल. हाउ मच अमाउंट वॉज गिवन by the insurance company to Rahul? 3 lakh, 2 lakh, 2.5 lakh, 3.5 lakh. क्योंकि कार की वर्थ कितनी थी? 2 lakh थी, तो कितनी उसको कंपेंसेशन मिलेगी? 2 lakh. चाहे उसने 3 lakh की कराई है, लेकिन जब सर्वेयर आते हैं ना, उस टाइम पे वो कार की वैल्यू डालते हैं, तो जो कार की वैल्यू कितनी निकली? 2 lakh. तो कितनी कंपेंसेशन मिलेगी? 2 lakh. Under which principle of insurance company has taken his damaged car? Principle of subrogation. That's it. ठीक है? So I am stopped screen sharing. Okay. So I'm discussing MCQs now. Which of the following statement is incorrect with respect to fire insurance? कौन सी incorrect statement है? A, principle of indemnity is applied. ये correct है. B, it has an element of protection only. Correct है. It is not the actual loss but the insured value which is payable by the insurance company. Correct hai? Actual loss nahi diya jayega, insured money di jayegi. Nahi bete, actual loss abhi to kitni bari, kitni examples to ki. Indemnity ka principle kya kehta hai? 3 lakh ki insurance karai hai, 2 lakh ka nuksan hua hai, to kitni di jayegi? To maine yahi statement padhi na, it is not the actual loss but the insured value which is payable by the insurance company. तो ये correct है, vice versa है. It is the actual loss, not the insured value. But whichever is lower, कई बार actual loss ज्यादा होता है, insured value कम होती है, तो उस case में भी insured value तक दी जाएगी. 10 लाख का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस 5 लाख की करवाई है, तो कितना नुकसान भरपाई होगी? 5 लाख. नुकसान चाहे हुआ 10 लाख का, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकते हम कंपनसेशन.
डी ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, वैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, ये करेक्ट है. नेक्स्ट, इट इज द टाइप ऑफ डिपॉजिट इन विच द डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर लिमिट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग, फिक्स्ड, सेविंग, मल्टीपल ऑप्शन. Multiple option deposit. What is the minimum amount for an electronic transfer of funds in case of RTGS? 500, 1 lakh, 2 lakh, 20,000. RTGS ke liye minimum amount 2 lakh. Following are the statements referring to the example of insurable interest. चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें एक भी करेक्ट हो सकती है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकती है. ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते जाइए, माइंड में रखते जाइए कौन सी करेक्ट है. ट्रस्टी होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं है. ट्रस्टी होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. सेकेंड, अ कंपनी इंश्योरिंग द लाइफ ऑफ ए ब्रांड एम्बेसडर. अमिताभ बच्चन कितनी कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर है, तो कंपनी जिन कंपनीज का वो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंपनीज क्या अमिताभ बच्चन की लाइफ को इंश्योर करवा सकती हैं. थर्ड, फादर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज सन. वाइफ taking insurance policy in the name of husband. 1, 2, 3 are correct, R is incorrect. 1 and 2 are incorrect, 3 and 4 are correct. 1 is incorrect, 2, 3, 4 are correct. All are correct. All are correct. मेरे हिसाब से second वाला correct नहीं है. ब्रांड एम्बेसडर सर्विस. अरे देखो, अमिताभ बच्चन मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, कल को उसकी डेथ हो जाती है तो ये है कि आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन मेरे को कोई एज सच फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो रहा ना उसकी लाइफ के जाने से. फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए ना, वन शुड सफर फाइनेंशियली. ठीक है, पिक्यूनियरी इंटरेस्ट होना चाहिए, सेल्स इफेक्ट होंगी एडवर्सली, हो सकता है सेल्स बढ़ भी जाए. अरे आप, आपके ब्रांड एम्बेसडर वो है, एक लेजेंड है, उसकी डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं उसको एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए यू मे बाय. ठीक है, सो फाइनेंशियल लॉस, डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस, इनडायरेक्ट तो हम बात ही नहीं ना कर सकते फिर इंश्योरेंस. ठीक है, सर्विसेज. हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 10 साल का और इन बिटवीन डेथ हो जाती है तो आपने तो पेमेंट की हुई है, सो योर फाइनेंशियल लॉस इज देयर. तो चारों, एक चारों करेक्ट आती है. चलो आप अपना अपना बताओ व्यू पॉइंट, किसको क्या लगता है. ऑल आर करेक्ट, लास्ट टू में तो कोई डाउट है ही नहीं है. वाइफ कैन टेक इंश्योरेंस, हस्बैंड कैन टेक इंश्योरेंस, स्पाउस के नाम की हो सकती है, ट्रस्टी की भी उस दिन मैंने एग्जांपल दी थी आपको, ट्रस्टी भी हो सकता है. सो ब्रांड एम्बेसडर का डाउट आई विल कंसल्ट इट विद समवन. ठीक है, कोई या कोई हायर लेवल की बुक्स कंसल्ट कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट, इट इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज पेड क्लेम अंडर इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरर्स to make payment for the loss, which of the principle is relevant here? मैं दोबारा से समझा देती हूँ. इंश्योरर के पास ये राइट है, वो इंश्योरर जिसने कंपनसेशन पे की है उसके पास ये राइट है कि वो बाकी इंश्योरर्स को भी कॉल कर सकता है अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. जैसे मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपने मेरे से इंश्योरेंस करवाई एक्टिवा की, आपने किसी और से भी करवाई, कंपनसेशन आप मेरे से लेने आ गए,
ठीक है, मैंने आपको कंपनसेशन दे दी, अब मुझे ये भी मालूम है आपने बी कंपनी से भी इंश्योरेंस करवाई है, तो आपने तो उसको भी प्रीमियम दिया हुआ है, दैट कंपनी इज ऑल्सो लाइबल टू कंपनसेट यू। अब ये थोड़ी ना आप उसके पास जाके भी ले लोगे, कंपनसेशन तो एक ही बारी मिलनी है, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल बार बार आता है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग गुड दी लॉस, तो आपको मिलनी तो उतनी कंपनसेशन है जितना आपका नुकसान हुआ है। तो आपने प्रीमियम दोनों को दिया है, तो मैं नहीं सोचूंगी वाई शुड ऑनली आई बी द पर्सन टू लाइबल टू पे द इंश्योरेंस क्लेम, तो मैं क्या करूंगी, मैं दूसरे इंश्योरर से जिस प्रपोर्शन में आपने, अगर आपने मेरे से उसको हाफ प्रीमियम दिया है, हाफ अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया है, तो मैं हाफ अमाउंट उससे ले लूंगी। जैसे 15,000 मैंने दिया आपको, 2:1 रेशो में आप प्रीमियम दे रहे हो, 1,000 मुझे दे रहे हो, 500 उसको दे रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको 15,000 दे दिया, 5,000 मैं किससे रिकवर कर सकती हूँ, बी से। ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स द राइट ऑफ द इंश्योरर हु हैज पेड क्लेम अंडर इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लाइबल इंश्योरर्स टू मेक पेमेंट फॉर द लॉस। ओके, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ए टेकिंग द पॉलिसी, बी डेथ, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी, ए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ डेथ। Functions of commercial banks include A. Acceptance of deposits, B. Granting of loan, D. Locker facility, C. Locker facility, D. None of the above, all of the above. Authority to issue currency notes rest with Central Bank of India, State Bank of India, Reserve Bank of India, all of the above, Reserve Bank of India. Insurable interest must exist at the time of loss, only in the case of life insurance, fire insurance, marine insurance, all of the above. Marine may at the time of happening of loss hona chahiye. Chalo, that's all. Rest we will do tomorrow.